आज भारत देश भले ही विविध संस्कृतियों वाला देश है, परंतु आज भी इसकी वास्तविक पहचान हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से ही होती है। हिंदू संस्कृति को ही पर्याय रूप से भारतीय संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस्लाम अरबी संस्कृति है और ईसाई रोमन संस्कृति है, इसीलिए यह दोनों ही भारत संस्कृति का हिस्सा नहीं है। शुद्ध रूप से हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति व इसकी पहचान है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जैन बौद्ध हिंदू धर्म का ही एक अंग है। इन्हीं को मिलाकर ही विविध संस्कृति कहा गया है। विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति जब भारत की कल्पना करता है तो उनके दिमाग में यहाँ का भव्य मंदिर और उन मंदिरों में हो रही आरती तथा घंटा आवाज शंख की ध्वनि स्वतः ही गूंजने लगती है। यहाँ के साधु संत और उनके चमत्कार विदेशियों को भारत आने के लिए विवश कर देता है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ये सारे आज भी बाबा नीम करोली के मुरीद हैं। नहीं, यही नहीं, इस्कॉन के संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 2 करोड़ ईसाइयों का जीवन बदल दिया। और आज जबकि स्वामी जी की शारीरिक रूप से इस धरा पर नहीं है, फिर भी विश्व के हर एक देश में हजारों लोग इस कोण से जुड़कर अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में स्वयं एक चमत्कार है, और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जय श्री राम लिखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। साधु संतों की महिमा का बखान तो शेष और शारदा भी नहीं कर सके, परंतु फिर भी अपनी मंद बुद्धि से उनके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आजकल चमत्कार को लेकर चारों तरफ खूब चर्चा है। जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 500 ईसाइयों का घर वापसी कराया है, तब से सनातन विरोधी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए हैं। टीवी डिबेट में लोग कह रहे हैं कि मेरी बताई गई स्थान पर आकर वे मुझे चमत्कार दिखाएं। अरे भाई, क्यों दिखाया वह तुम्हें चमत्कार? उन्होंने जो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है, वह पीड़ित हिंदुओं के लिए उन पर कृपा करने के लिए। धीरेन्द्र जी महाराज कोई जादूगर नहीं है जो गली गली अपना चमत्कार दिखाते फिरे, और उनके गुरु पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी तो स्वयं ही अपने आप में एक चमत्कार है। उनके उपलब्धियां और सिद्धि तथा वे जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में तो वामपंथी और उनके वैज्ञानिक तो कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, श्री राम भद्राचार्य जी एक ऐसा संत है जिसके बचपन से ही नेत्र नहीं है, फिर भी उनके द्वारा किया गया कार्य आधुनिक विज्ञान के लिए पूरी तरह असंभव है। श्री राम भद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 के जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मात्र 2 महीने की आयु में ही उनकी आंख चली गई थी। इसके बावजूद 4 वर्ष के आयु में वह कविताएं करने लगे। 8 वर्ष की आयु में उन्हें रामायण, गीता आदि धर्म ग्रंथ कंठस्थ हो गए थे। वह राम कथा करने लगे थे। हैरानी की बात यह है कि वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। वे ब्रेल लिपि का प्रयोग भी नहीं करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचना लिखवाते हैं। वह संस्कृत व्याकरण की भी महान विद्वान हैं। उन्होंने चारों वेद सहित 18 पुराण एवं 108 उपनिषदों पूरी तरह कंठस्थ है। वे रामकथा के दौरान जब कोई श्लोक या चौपाही दोहा बोलते हैं तो बाकायदा पेज संख्या, श्लोक संख्या, दोहा संख्या भी बताते हैं। स्वामी जी को 14 भाषाओं की ज्ञान प्राप्त है और उन्होंने अब तक 18 रचित ग्रंथ भी लिखवाए हैं। दोस्तों, यह सब क्या चमत्कार नहीं है कि आधुनिक विज्ञान किसी नेत्रहीन व्यक्ति से ऐसी कल्पना कर सकता है? और यही नहीं, राम भद्राचार्य जी के आगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी नतमस्तक हो गया था।
उस समय की बात है जब कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद का केस चल रहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज ने शास्त्र प्रमाण मांगा था। अब स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा, वाल्मीकि रामायण के 8वें श्लोक में श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में राम जन्म स्थल के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक राम जन्म स्थल से 300 धनुष की दूरी पर सूर्य माता बह रही है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी अभी नापा जाए तो उतनी ही दूरी निकलेगी। इसके बाद जज ने उनको वेदों से प्रमाण देने को कहा। अब उन्होंने वेदों से प्रमाण देते हुए कहा कि अथर्ववेद के 31वें अनुवाद के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत, अर्थात 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाले श्री अयोध्या देवताओं की पुरी, उसी अयोध्या मंदिर महल है, उसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए थे। उन्होंने आगे कहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका प्रमाण है। इसके अलावा दूसरे शतक में वर्णन है कि बावर के सेनापति और दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मार डाला। दोस्तों, श्री राम भद्राचार्य जी ने जब यह शास्त्र प्रमाण दिया तो जज ने उन सभी धर्म ग्रंथों को खोलकर देखा और वैसा ही लिखा पाया जैसा राम भद्राचार्य जी ने कहा था। एक नेत्रहीन संत का यह चमत्कार देख सुप्रीम कोर्ट के जज स्वामी जी के आगे नतमस्तक हो गए थे। और यही नहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील भी स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। और यह उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, वामपंथी लोग जिसे चमत्कार कह रहे हैं वह चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध सनातन विज्ञान है। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे आविष्कार कहकर हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही वह बात बताई जा चुकी है और अभी भी धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई है जिन पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है। परंतु जब तक रिसर्च पूरी नहीं होती, हिंदू धर्म का हर एक विज्ञान आधुनिक विज्ञान के लिए एक चमत्कार ही है और आगे भी रहेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में लगातार साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ईसाई मिशनरियों लगातार अपने षड्यंत्रों से साधु संतों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। साधु संतों की वजह से ही आज हिंदू धर्म का अस्तित्व है, वरना यह धर्म कब का समाप्त हो गया होता। ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम पर षड्यंत्र के तहत हमला हुआ है। इससे पहले भी कई साधु संत षड्यंत्रों के शिकार हो चुके हैं। गरिमा यह मनाइए कि हिंदू धर्म अब जागरूक हो चुका है और पूरी शक्ति के साथ धीरेन्द्र जी महाराज के साथ खड़ा है। चमत्कारी कार्य हवा में प्राप्त नहीं होता, उनके लिए त्याग तपस्या करनी पड़ती है। आदि शंकराचार्य से लेकर देवरा बाबा, नीम करोली बाबा, स्वामी सर्दानंद, श्रील प्रभुपाद आदि ना जाने कितने चमत्कारिक साधु संत भारत देश में हुए, जिनके शक्तियों का लोहा भारतीय ही नहीं विदेशी भी मानते हैं। चमत्कार कोई जादू टोना नहीं होता जिसे राह चलते एरे गेरे किसी को भी दिखा दिया जाए। भारतीय साधु संत ने कभी चमत्कारों के लिए अपनी प्रशंसा नहीं की और ना ही किसी चमत्कार दिखाने के लिए अपने पास बुलाया। सीधी सी बात है, जिसे संतों में श्रद्धा ना हो वो ना जाए उनके पास। वामपंथी को लेकर हिंदू धर्म और साधु संतों के चमत्कार में ही अंधविश्वासी दिखाई पड़ता है। बाकी ईसाई मिशनरिया माथा छूकर करंट मारना और मौलाना झाड़ फूक करता है, उसमें अंधविश्वासी नहीं दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे प्रकरण के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।